अगर आज आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता? अगली चोरी तो मैं और राहुल कर रहे हो ना? हमारा सारा काम लीगल है, हमने किसी का डाटा नहीं चुराया। अच्छा आइडिया दिया ना मैंने। तेरी वजह से मयूर को पता चल गया कि हम फर्जी गैंग हैं और मुझे उसे मारना पड़ा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धीरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कोई एसएमएस भेज दे। हेलो राज, कहाँ हो तुम? मैंने आपको कल ही बोला था मॉम डैड घर पे नहीं है, आ जाओ ना जल्दी। यार जम के पार्टी करते हैं। लव यू। पैसा कहाँ है पहले ये बता। पैसा कहाँ है? अलमारी में। निकल जल्दी कर, जल्दी कोई बैग निकाल, बैग निकाल, बैग में सारा माल डाल, बोल बोल इधर, अरे जल्दी कर, जल्दी कर, कितना दिन का ये, जल्दी कर, इतना ही है क्या? इतना ही? हाँ इतना ही, देखता हूँ मैं कितना है। खड़ी रहो वहाँ पे शांति से। आप टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। ए, रुक, रुक नीचे उतर, बैग नीचे रख, दोनों हाथ ऊपर कर, नहीं तो अभी गोली चला दूंगी। गोली मत चलाना, बैग रख, बैग रख, रुक, गोली मत चलाना। पट्टी पे बंदूक रखो, बैग नीचे रखो और डिंपल बाहर लेकर आओ इसको। बारह सर, सर सर चोरी करेगा है? चोरी करनी है, मेरे एरिया में चोरी करता है। डिंपल इसको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में बैठाओ। थैंक यू सर।
अगर आज आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता? ये तो हमारा फर्ज है, और वैसे भी थैंक यू आपको हमें नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों को बोलना चाहिए जिन्होंने इस चोर को आपके घर में घुसते हुए देख लिया और तुरंत हमें फोन कर दिया। वैसे आपके घर पे कोई नहीं है? मॉम डैड बाहर गए, कल आ जाएंगे। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये चोरी का सामान है, मुझे FIR दर्ज करने में इसकी जरूरत पड़ी। आप कल पुलिस स्टेशन आके इसको लेकर जा सकती हैं। ठीक है सर। और ये चाकू मुझे दे दीजिए, ये एविडेंस के लिए काम आएगा। थैंक यू। दिन दहाड़े जाने माने शर्मा बिल्डर क्या हुई चोरी। घर पर थी जवान बेटी अकेले, इसलिए चोर पहुंचे सबसे पहले वहां पर। अच्छा भाभी फिर क्या हुआ? चोरी करके भागने ही वाले थे तभी पहुंची वहां पर पुलिस, और वो पुलिस वाले भी थे नकली। क्या पुलिस वाले नकली थे? क्या माल नहीं आया अभी तक? असाइनमेंट की डिलीवरी हुई कि नहीं? यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, जल्दी करो। नकली इंस्पेक्टर ने गहने जब्त करके पुलिस स्टेशन में कलेक्ट करने को बुलाया, और जब बेचारी फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची तब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। आखिर ये चल क्या रहा है हमारे मथुरा में? हाँ कभी ये गैंग नकली पुलिस वाले बन जाते हैं तो कभी नकली लॉयल बन जाते हैं, और ये मीडिया वाले उसे फर्जी गैंग कह के बुला रहे हैं। घबराओ मत तृप्ति भाभी, आपका घर सेफ है, आपके घर में कुछ नहीं होगा। हमारे घर वो तीनों आए ना तो चप्पल से मारूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कैसा चल रहा है, और बिजनेस ट्रिप? एकदम सक्सेसफुल भाभी, आपके पति ने प्लानिंग ही इतनी बढ़िया की थी। जी मैं VP माथुर, नया इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ, मयूर सर ने बुलाया था। अच्छा अच्छा भैया ने बुलाया आपको, आइए। जय हिंद सर। कैसे हो बे? बढ़िया सर। कम इन कम, आ जाओ लॉन में बात करते हैं। जी सर। दीदी हमें चाय भिजवा देना प्लीज। आ जाओ लेट्स गो। Thank you for coming, Ved. My pleasure, sir. मैंने जो files मंगवाई थी वो लाए हो? जी सर। मथुरा के सड़कों पर CCTV कैमरास किन किन जगहों पर लगी हुई है, ये उसकी फाइल। गुड। ये फर्जी गैंग बहुत चालाकी से उन्हीं एरियाज में काम कर रही है जहाँ कैमरास बिल्कुल नहीं लगे हैं। Right. तो उन सभी एरियाज में सिक्योरिटी बढ़वा दो। चाय लीजिए। अरे जीजू आप क्यों चाय लेके आए? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो हमारे शहर की रखवाली करते हैं उनकी खातिरदारी का मौका थोड़ी छोड़ना चाहिए। वैसे दीप्ति आजकल बहुत परेशान है इस फर्जी गैंग को लेके, उसे लगता है कि कहीं हमारे घर चोरी वोरी ना हो जाए। तो आपने उनकी कोई तस्वीर वगैरह देखी या मिली? मेरा मतलब है कि आप लोगों को जल्दी पकड़ना चाहिए ना उन्हें। उन्हीं कोशिशों में लगे हुए हम सर। सर कौन से एरियाज में कैमरा कब तक लग जाएंगे ये डिटेल्स मैंने इस फाइल में लिखी है। ओके और पेट्रोलिंग भी बढ़वा दो वेद,
और ये फर्जी गैंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सभी न्यूज चैनल्स और सभी न्यूज़पेपर में छपाओ, जनता को भी चौकन्ना करो। ऑलराइट सर। देख राहुल, कुछ दिनों तक हमें शांत रहना पड़ेगा, पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई अभी। पुलिस क्या कर रही है और कहां, इस सब की डिटेल है मेरे पास, डरता क्यों है यार? अरे कुछ महीने रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शर्मा के घर से 8 लाख रुपए कमाया है। करोड़ों में खेलना मुझे, 50 लाख रुपए दिए थे दीप्ति के घर वालों ने मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस जैसी बंद हो गया उन लोगों के ताने पे ताने शुरू हो गए, इसलिए 50 लाख रुपए मुंह पे मारने मुझे उन लोगों के। बड़ा बिजनेस शुरू करना है, बड़ा घर लेना है और सब लोगों को दिखाना है कि राहुल क्या कर सकता है। राहुल तू सिर्फ जज्बाती हो रहा है, ठीक है तुझे चोरी करनी है तो कर, मगर मैं तेरे साथ चोरी नहीं करने वाला। कर प्रतीक, प्रतीक। देखो संध्या, अगली चोरी कहाँ और कैसे करनी है इसका पूरा प्लान है मेरे पास। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहते तो ठीक है, पैसे भी मैं अकेले ही उड़ाऊंगा। तुम अपना प्लान बताओ, प्रतीक को मैं मना लूंगी। सुनो, यार आज तो बड़ी सेक्सी लग रही हो। छोड़ो मुझे, डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन में अपने लिए कहने के डिजाइन देखती हूँ। अच्छा, मुझे भी एक सोने का ब्रेसलेट लेना था, उसकी डिजाइन देख। क्यों, अगली चोरी तो मैं और राहुल कर रहे हो ना, उस पैसे से तुम क्या खरीदोगे? अच्छा, लालच दे रही है मुझे, सब समझ रहा हूँ मैं। मान जाओ ना, बहुत सॉलिड प्लान बनाया राहुल ने, पक्का काम करेगा। अच्छा, और काम नहीं किया तो, और मैं मर गया तो? ये मरने की बात मत क्या करो, थप्पड़ खाएगा, बहुत दिन तक जीना है हमें। चल ठीक है, करूंगा कल तुम लोगों के साथ चोरी, लेकिन उसके बदले अभी मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा। राहुल, मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ। तुम बिजनेस? हाँ, तुमने और प्रतीक ने बिजनेस शुरू किया था, फिर प्रतीक की वाइफ ने आके संध्या ने हेल्प की थी, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प कर दूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। क्यों? मेरा मतलब है, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत मुश्किल काम, और तुमने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, तो तुम सुंदर सुंदर कपड़े बनाओ, ने पहनो, स्माइल आ गई, स्माइल दिख। Thank you.
गाइज जल्दी जल्दी काम करो, हमें माथुर शॉप के यहाँ चलना है। बंद करो ये सब, चलो चलो बंद करो ये सब। अरे एक मिनट रुकिए सर, बताता हूँ सर, ये छोड़ो, सारा सामान सीज करो इनका। सर क्या हुआ? ये वारंट है हमारे पास आपके खिलाफ, सारे लैपटॉप सब कुछ सीज कर दो। तुमने मेरे क्लाइंट पुराना इंडस्ट्रीज का सिस्टम हैक करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराई है। नहीं, ये सब झूठ है, हमारा सारा काम लीगल है, हमने किसी का डाटा नहीं चुराया। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। देखो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, ये बात हमारे बीच रहेगी। 50 लाख रुपए लगेंगे बस, सब ठीक हो जाएगा। नकली मूछ, तुम वही फर्जी गैंग वाले हो ना, तो न्यूज में आ रहे थे। बोल ना, तुम ही हो ना फर्जी लोग। बोल। छोड़ो पीछे हट, नहीं तो गोली चला दूंगी। आगे मत बढ़ना। बोलूंगा पीछे हट, वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। आगे मत बढ़ना, पीछे हट, हट पीछे। वो सब ठीक है, बट आई नीड रिजल्ट्स। जो भी अपडेट रहेगा मुझे फटाफट भेजना। यस सर, फर्जी गैंग वालों ने अभी 10 बजे क्रिस सिक्योरिटीज में चोरी की, लेकिन वहां के लोगों ने पहचान लिया कि वो नकली पुलिस वाले हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सर वो भाग निकले। पर सर, उसमें से एक नकली ऑफिसर के पेट में पूरी तरह से चाकू लग गया है। वेदिक काम करो, सभी ट्रॉमा हॉस्पिटल और इमरजेंसी सेंटर्स में अपनी टीम लेके जाओ, वो लोग जरूर डॉक्टर के पास गए। यस सर। प्रतीक, प्रतीक आगे खोल के रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक आके खोल के रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आइए प्रतीक। डॉक्टर, मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। उनका घाव तो बहुत गहरा है, लगता है किसी तेज़धार चीज से मारा गया है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, आप लोगों को हॉस्पिटल चल के पुलिस को बुलाना होगा। वो सब छोड़ो, इसका इलाज करो, जो दवाई चाहिए जो चाहिए आप मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। अरे आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? इनका इलाज यहाँ नहीं कर सकते, इन्हें आईसीयू में नहीं लेके गए तो ये मर जाएंगे। राहुल, अगर हम प्रतीक को लेकर हॉस्पिटल नहीं गए ना तो प्रतीक मर जाएगा। एक मिनट इधर आओ। और अगर हम हॉस्पिटल गए तो वहां से सीधा जेल जाएंगे। सारे हॉस्पिटल में पुलिस घूम रही है और सारे न्यूज चैनल्स पे हमारी खबर चल रही है। बताए ना हम कौन है? कौन है? फर्जी गैंग है ना, बता दो उन्हें। फर्जी गैंग? मेरा प्रतीक का जान तो बच जाएगा ना। ए, ए, रुक! ए! मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जो दवा लेके आना है फिर मैं लेके आती हूँ, मेरे पति का इलाज कर। ढूंढ रहे हो?
दीप्ति तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और मयूर कहाँ है? वो तो रात भर पुलिस स्टेशन में रहने वाला है। फर्जी गैंग से रिलेटेड कुछ वर्क है उसी काम से। अच्छा तो काम करो ना, उसे फोन करके यहाँ पे बुला लो, बोल दो कि पूरी टीम के साथ यहीं आके काम कर ले। यहाँ घर खाली होने पर मुझे रोमांस सूझ रहा है। और तुम हो कि मैं तुम्हें हॉट नहीं लगती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फालतू बातें छोड़ो और बीवी पर ध्यान दो। इन फर्जी गैंग वालों ने नींद हराम कर रखी है। दीदी मुझे भी एक चाय पिला दीजिए प्लीज। पता नहीं कब पकड़े जाएंगे ये लोग। क्या हुआ, कुछ पता लगा उनके बारे में? अभी तक तो नहीं दीदी। मथुरा के हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में पुलिस तैनात है, पर ये फर्जी गैंग का आदमी ये कहां एडमिट ही नहीं हुआ है। अब आसपास के शहरों की पुलिस से बात करनी होगी। हाँ तो वो मथुरा छोड़ के भाग गए होंगे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग जबरदस्ती किसी भी डॉक्टर को अपने घर ले आए हों। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया दीदी आपने। मैं अभी अपने ऑफिसर से कहता हूँ कि पता करे कहाँ कोई हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर गायब तो नहीं हुआ। अच्छा आइडिया दिया ना मैंने। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया दिया। कब तक मेरा पति ठीक होगा? बोलना, बोल। कब तक? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर हूँ। आपके पति को एक एक्सपीरियंस और सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मेरी बात समझिए, अगर अभी उन्हें आईसीयू में लेके नहीं जाया गया तो वो मर जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। हेलो राहुल, मेरा प्रतीक ठीक नहीं हो रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। ऐसा करने का बिल्कुल सोचना भी मत। घर पे रहेंगे तो बचे रहेंगे, और पुलिस के हाथ लग गए तो पक्का मारे जाएंगे। अच्छा सुन, एक काम कर, जाके उस डॉक्टर को बोल कि वो अपने घर पे फोन करके बोले कि हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट लग गई है और वो कुछ दिन के लिए घर नहीं आएगी। और हॉस्पिटल में बोले कि घर पे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स या कुछ हो गई है तो इसलिए हॉस्पिटल नहीं आएगी। यहाँ मेरा पति मर रहा है और तुझे फालतू फोन करवाने का पड़ा है। फालतू? फालतू नहीं है ये। पुलिस वालों को हम पे शक हो गया है कि हम किसी डॉक्टर को उठा कर लेकर आए हैं, और इसलिए वो हॉस्पिटल जाके चेक कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर अचानक से गायब हुआ या नहीं। देख, बहस मत कर, जो बोला है वो कर, समझी? ये ले, और अपने घर वालों को और हॉस्पिटल में मैसेज करके तू कुछ दिन के लिए बाहर रहेगी। ले बोल। मैं लगाती हूँ नंबर। माँ, प्रतीक, प्रतीक, क्या हुआ प्रतीक को मेरे? प्रतीक, 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 ये लो दवा, ये दवा खाओ। प्रतीक तुम्हें कुछ नहीं होगा, दवा खाओ प्रतीक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सॉलिड प्लान बनाया राहुल ने, पक्का काम करेगा। अच्छा, और काम नहीं किया तो? और मैं मर गया तो?
क्यों नहीं बचाया मेरे पति को? ये तो डॉक्टर का फर्ज होता है ना, क्यों उसे मरने दिया? क्यों उसे मरने दिया? जीजू एक बात बताओ, आप इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो, घर पे लंच करने का टाइम कैसे मिलता है? ऐसा नहीं है, जब प्रोजेक्ट आता है तो बहुत काम होता है और अगले प्रोजेक्ट तक फिर आराम। मैं तो भाई तुम्हें कहती हूँ पुलिस वुलिस की नौकरी छोड़ो और राहुल का बिजनेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम घर वालों को टाइम भी दे पाओगे। और मैं कब से कह रही हूँ कि शादी कर लो, पर तुम्हें लड़की देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे दीदी, एक बार ये फर्जी गैंग पकड़ी जाए ना, उसके बाद एक हफ्ते की छुट्टी लेके आपके लिए भाभी लेके आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। राहुल, अरे संध्या आओ बैठो, लंच करो हमारे साथ। और प्रतीक का है? वो प्रतीक ऑफिस में है, कुछ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई थी तो राहुल से डिस्कस करनी है। अच्छा राहुल, एक मिनट लिए आओ, अकेले में बात करनी है। हाँ आओ। किससे पूछ के यहाँ पे आई है और उस डॉक्टर को प्रतीक के साथ अकेला छोड़ दिया? मर गया मेरा प्रतीक, और मार दिया मैंने उस डॉक्टर को भी। क्या? तेरी वजह से मेरे प्रतीक को चाकू लगा, तुझे वापस बचाने आए थे। बस बहुत हो गया यार, इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं थी, प्रतीक ने सही से नकली मूछ नहीं लगाई थी, इस वजह से उन लोगों ने हमें पकड़ लिया था, और तेरा पति हमें फंसा के तो चला गया ना। 50 लाख मुझे चाहिए, वरना तेरी बीवी और साले को सब सच बता दूंगी। मुझे ये सबसे बाहर निकलना है, मैं प्रतीक के बिना यहाँ नहीं रह सकती। तू 50 लाख देगा तो मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, अगर नहीं दिए तो। क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों? संध्या भी आई थी, वो भी बहुत टेंशन में थी। सब ठीक है ना? तुम यही सोच रहे हो ना कि लास्ट टाइम की तरह अगर ये बिजनेस भी ठप हो गया तो क्या होगा? अरे आई लव यू हमेशा, आई लव यू। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ, टेंशन लेके अपनी तबीयत मत खराब करो। कितना काम करते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ चाहिए आपको? हाँ, तुम ओके, जल्दी आना। बाय। और जीजा जी, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है आजकल। हाँ बस, बहुत प्यार करती ना मेरी दीदी तुमसे, पर अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके ही पति फर्जी गैंग के लीडर है तो पता नहीं क्या बीतेगी उन पर। झूठ बोलने की कोशिश मत करना राहुल, मैंने तुम्हारी और संध्या की बातें खुद सुनी है। तेरी वजह से मेरे प्रतीक को चाकू लगा। बस बहुत हो गया यार, इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं थी, प्रतीक ने सही से नकली मूछ नहीं लगाई थी, इस वजह से उन लोगों ने हमें पकड़ लिया था। 50 लाख मुझे चाहिए, वरना तेरी बीवी और साले को सब सच बता दूंगी। मयूर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं ये कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितने घर कितने परिवार बर्बाद किए तुम्हारी ये फर्जी गैंग ने। मन करता है कि हमेशा के लिए जेल भिजवा दूं तुम्हें, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और सब कुछ कन्फेस करना होगा। पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए मैं तुम्हारी सजा 8 साल से 2 साल करवा सकता हूँ और रेगुलर पैरोल के लिए भी जज से बात करूंगा। मैं तेरे जीजा हूँ और तू? अरे काय का जीजा, क्रिमिनल है तू, क्रिमिनल। ऐसा चोर ऐसा क्रिमिनल मेरा जीजा नहीं हो सकता। सुनना है ना तुझे, तो सुन, ये सब तेरी और तेरे परिवार वालों की वजह से हो रहा है। जब से दीप्ति से शादी हुई है ना मेरी, तेरे परिवार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे ताने पे ताने सुनाते रहे। और तेरी वजह से, तेरे परिवार की वजह से मुझे पैसे कमाने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा है। सब तेरी वजह से हो रहा है और तेरे परिवार की वजह से हो रहा है। तो ये असली रंग है तेरा, हाँ? चोरों पर इतना एटीट्यूड सूट नहीं होता, और जेल में अच्छो का एटीट्यूड टूट जाता है। अभी बताता हूँ मैं तुझे, जेल की हवा खिलाता हूँ। अगर मयूर की डेड बॉडी किसी ने देख ली तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि इसको सीढ़ियों से धक्का दे देता हूँ, जिससे लगे कि वो एक्सीडेंटली गिरा है। जिंदगी कितनी छोटी है ना दीप्ति, कौन यकीन कर सकता है कल मयूर हमारे साथ था, आज हमारे बीच नहीं। दीदी, मयूर सर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके डिपार्टमेंट का सपोर्ट हमेशा आपके साथ। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। दीदी, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिए थी। एक्चुअली मयूर सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल ऑफिस से घर लेकर आए थे, अगर आप वो ढूंढ देती तो। कैसी फाइल मुझे बताओ, मैं ढूंढ कर दे दूंगी। येलो कलर की फाइल थी, जिस पर केरू वाला डायमंड लिखा था। एक्चुअली हमें वहां कल इनकम टैक्स की रेड करने जाना है, और बिना फाइल के वो पॉसिबल नहीं हुआ। डोंट वरी, मैं ढूंढ कर दे दूंगी।
पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। तेरी वजह से मयूर को पता चल गया कि हम फर्जी गैंग हैं और मुझे उसे मारना पड़ा, और तू पैसे मांग रही है। अगर पैसे नहीं दिया तो तेरी बीबी को सच का पता चल जाएगा। नहीं है मेरे पास 50 लाख रुपए। हाँ लेकिन 50 लाख कमाने का एक प्लान है मेरे हाथ में, उसके लिए हमें आखिरी बार पुलिस वाले बनना पड़ेगा। उसके बाद तू तेरे रास्ते और मैं अपने। कि यहाँ पुलिस वाले रेड डालने वाले हैं, ये तो पूरा खाली है। रेड छोड़ना, रख दे। हम इससे क्या, हम चोरी करते हैं और निकलते हैं। रेड करने आए हो, अब तो असली पुलिस को साथ ले लो। चलो हाथ ऊपर, दोनों का बैग ले लो। नहीं है मेरे पास 50 लाख रुपए। हाँ लेकिन 50 लाख कमाने का एक प्लान है मेरे हाथ में, उसके लिए हमें आखिरी बार पुलिस वाले बनना पड़ेगा। उसके बाद तू तेरे रास्ते और मैं अपने। हेलो वेद, मुझे तुम्हें राहुल के बारे में कुछ बताना है। दीदी, हमें राहुल के बिजनेस पार्टनर प्रतीक की डेड बॉडी मिली है हाईवे से, और उसकी बॉडी पर भी वैसा ही जख्म है जैसा कि फर्जी गैंग के एक आदमी को लगा था चोरी करते वक्त। और दीदी, मुझे यकीन है कि मयूर सर को भी उसी ने मारा है। मुझे नहीं पता था मेरा पति इतना बड़ा क्रिमिनल है। दीदी आप फिक्र मत करिए, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उसने मयूर सर के कैबिन से फाइल चराई है ना, केरू वाला डायमंड्स की, और वो वहां पे जरूर जाएगा फेक पुलिस ऑफिसर बनकर। हम उसे वहीं रंगे हाथों पकड़ेंगे। मयूर भैया को तुमने ही मारा ना। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी फैमिली मुझे ताने मारती थी और तुम्हारे लायक नहीं समझती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरी फैमिली कुछ भी कहती हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया।
कभी तुमसे कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की, ये सब तुमने अपने ईगो में किया है, समझ में आया? और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वेट, ले जाओ इसे यहाँ से। चलो चलो।